देखिए यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल हास्यास्पद है। जनता दल यूनाइटेड ने मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था और उन 10 सीटों में कहीं 50 वोट उनके उम्मीदवार को मिला है, कहीं 75 वोट मिला है, कहीं 100 वोट, कहीं 150 वोट मिला है। अगर नीतीश कुमार जी का या जेडीयू का इस्तेमाल वहाँ होता, यही न होता कि उन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जो वोट मिला होगा उसमें 50 वोट की जगह 100 वोट और ऐड हो जाता, कहीं 70 वोट ऐड हो जाता जो जेडीयू को मिल गया कांग्रेस के साथ जाता। तो इसके आधार पे अगर कोई कहे कि अगर मिलजुल कर लड़ते चुनाव जेडीयू को पूछा जाता तो परिणाम कुछ और होता, तो बिल्कुल हास्यास्पद है ना। अब जेडीयू खुद ही हास्यास्पद पार्टी बन गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन, में हूँ आपके साथ नरोत्तम। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसके बाद अब इसकी चर्चा बिहार के राजनीति में खूब हो रही है। जनता दल यूनाइटेड के लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ती तो हार का सामना नहीं करना पड़ता। इसको लेकर आज रालोजत के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी अब हास्यास्पद पार्टी बन गई है। जदयू मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहा था, कहीं 50 वोट उनके प्रत्याशी को मिले हैं तो कहीं 75 वोट। क्या 50 वोट और 75 वोट कांग्रेस पार्टी को अगर ज़्यादा मिल जाता तो कांग्रेस पार्टी भाजपा को हरा सकती थी? क्या कुछ कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले सुने आप। देखिए मुख्यमंत्री जी आए दिन कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दे देते हैं जिसकी अपेक्षा उनसे नहीं की जाती है, तो उसी क्रम में आज भी उन्होंने कुछ कह दिया होगा। अब यह उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो कई दिनों तक बीमार होने पर, अज्ञातवास में जाने पर सवाल तो उठेगा। लोग सवाल उठाने वाले तो अपनी जगह सही हैं, लेकिन अब उसके जवाब के रूप में जो कुछ भी कहा आप जो बता रहे हैं, हमको लगता है कि यह स्टेटमेंट भी बहुत उचित नहीं है। आज फिर से जेडीयू के तमाम बड़े नेता और मंत्री भी कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार के साथ जो चूक हुई, जो कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं कि कांग्रेस जो 3 राज्यों में बुरी तरह से हारी है, वहाँ बड़ा कारण ये है कि नीतीश कुमार को वो संयोजक नहीं बनाया गया, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात नहीं हो रही है। क्या मानते हैं कि आज भी जेडीयू ख्वाब देख रही है? देखिए यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल हास्यास्पद है ना। जनता दल यूनाइटेड ने मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था और उन 10 सीटों में कहीं 50 वोट उनके उम्मीदवार को मिला है, कहीं 75 वोट मिला है, कहीं 100 वोट, कहीं 150 वोट मिला है। अगर नीतीश कुमार जी का या जेडीयू का इस्तेमाल वहां होता, यही न होता कि उन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जो वोट मिला होगा उसमें 50 वोट की जगह 100 वोट और ऐड हो जाता, कहीं 70 वोट ऐड हो जाता जो जेडीयू को मिल गया कांग्रेस के साथ जाता। तो इसके आधार पे अगर कोई कहे कि अगर मिलजुल कर लड़ते चुनाव जेडीयू को पूछा जाता तो परिणाम कुछ और होता, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है ना। अब जेडीयू खुद ही हास्यास्पद पार्टी बन गई है, इसलिए उस पार्टी के नेता कुछ भी बोले तो सारी चीजें हास्यास्पद होती ही है, और उनका यह स्टेटमेंट भी कोई भी सुनेगा तो हंसेगा, इससे ज्यादा इस पर और क्या टिप्पणी। नीतीश जी के चेहरे में आपको दम नहीं है, लेकिन बैठक टल गई है, लगता है सर कि जो बैठक होने वाली है उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए बैठक टल गई। हाँ निश्चित रूप से देखिए ये लोग बैठक करे ना करे उनका विषय है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आगे की राजनीति के लिए भी। और इसी तरह से आपस में हमने तो पहले भी कहा है कि स्वार्थ के आधार पे की गई दोस्ती कभी सफल नहीं हो सकती, तो इन लोगों की दोस्ती पूरे तौर पे स्वार्थ के आधार पे है, कोई जनता का हित देश का हित उसमें थोड़े है। अब स्वार्थ के आधार पे लोग दोस्ती कर रहे हैं तो यह स्थिति होगी, और लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। सर गृह मंत्री आ रहे हैं, सुना रालोजत के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी हास्यास्पद बन चुकी है। वहीं उन्होंने महागठबंधन के जो बैठक था वो टल गया है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि स्वार्थ के लिए किया गया गठबंधन कभी सफल नहीं होगा, हमने तो पहले ही कहा था। क्या कुछ कहा उपेंद्र कुशवाहा, आपने सुना। आप बने रहे न्यूज 4 नेशन के साथ।